अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक रेस। और आज जो कुछ खास टेक न्यूज़ नहीं आई थी, तो मैंने सोचा था कि यार टेक न्यूज़ देने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैंने आप लोगों के लिए आज जो वो अगस्त के टॉप एंड्रॉइड ऐप्स लेके आया हूँ, जो कि फ्री है और बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन इस बार मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो आज के यानी कि इस महीने की एप्लीकेशन की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है 17 ट्रैक। हम सभी जो वो इंटरनेशनल वेबसाइट से जो वो कुछ ना कुछ मंगाते हैं और बार बार क्या होता है कि हमें ट्रैकिंग करने में बहुत ही इश्यू हो जाता है। तो ये 17 ट्रैक वेबसाइट ऐसी है कि आपको 223 से ज़्यादा कैरियर देता है, यानी कि जो कूरियर सर्विस होती है वो आपको इसके अंदर मिलती है। आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और आपका जो ट्रैकिंग नंबर है आपको यहाँ पे आना है, इस प्लस साइन को टैप करना है, यहाँ पे वो 10 डिजिट या जो भी टाइप का नंबर होता है आपको यहाँ के आपको इंसर्ट करके ट्रैक करना है। तो आपके कोई भी वेबसाइट से अगर आप जो है वो शॉपिंग वगैरह करते हैं ऑनलाइन, चाहे वो GearBest, Banggood, AliExpress, कहीं से भी, आप डायरेक्ट इसी एप्लीकेशन में आ सकते हैं और यहाँ पे आके वो सारी चीज़ों को एक ही एप्लीकेशन के अंदर जो वो ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है कॉमन कार्ट। कॉमन कार्ट एक बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है और जब ये एप्लीकेशन मैंने ढूंढा तो मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत अच्छी चीज़ मैंने ढूंढा हो। यहाँ पे ये एप्लीकेशन क्या करता है कि आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर सारे शॉपिंग एप्लीकेशन का मसाला देता है, यानी कि Amazon, Flipkart, Myntra, Jabong और इतना ही नहीं, बल्कि आप एड टैब में जाके आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको जो भी एप्लीकेशन जो भी सर्विस चाहिए आप यहाँ पे आके इसको जो वो ऐड कर सकते हैं, स्नैपडील से लेके, ShopperStop से लेके, ShopClue से लेके, Paytm से लेके आप यहाँ पे जो कर सकते हैं। यानी कि आपको बार बार पर्टिकुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मेमोरी भी सेव होगी और एक ही टाइम पे अगर आपको मैच करना है कि Amazon पे ये प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है तो Flipkart पे कितने का मिल रहा है, तो यही टैप में इसी एप्लीकेशन के जरिए आप आके Amazon में सर्च कर सकते हैं आपको जो चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे पहला पेज Amazon का है, बाजू में आप टैप करेंगे इस तरीके से आपके सामने Flipkart ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे Myntra वगैरह से आपको कुछ लेना है तो आप यहाँ से आके कर सकते हैं। आपका टाइम सेव हो रहा है, आपकी मेमोरी सेव हो रही है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर आके जो वो कर सकते हैं। तीसरा जो एप्लीकेशन है ये है बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन थोड़ा सा फनी भी है। हम सभी लोगों को पता है कि हम हमारा फ़ोन रखते हैं, कोई छुपके से आता है हमारे फ़ोन में कुछ ना कुछ करने जाता है, ये आने के टाइम पे ही पकड़ा जाएगा। जी हाँ, क्या होता है कि कभी कभी कोई आता है अपने फ़ोन में पासवर्ड वगैरह डालता है तो जो भी सिक्योरिटी होती है हमारा पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेती है। खैर वो सब बात की बात है, वो हाथ रख के भी कर सकता है तो उसका पिक्चर दिखेगा नहीं, तो वो फ्लॉ है उसका, लेकिन ये एप्लीकेशन का फ्लॉ नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये एप्लीकेशन अगर आप अपना फोन रख के जाते हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपके फोन को टच नहीं करे, आप इस एप्लीकेशन को ओपन करिएगा, सामने की तरफ देखेंगे डोंट टच, मैं फोन को एक्टिवेट कर रहा है, तो मैं एक्टिवेट करके इस तरीके से उसको जो वो छोड़ देता हूँ। आप 10 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड का जो टाइम है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही ये हो जाएगा, टाइम सेट हो जाएगा, आपको फोन को रख देना है और नेक्स्ट टाइम कोई भी आपके फोन को आके उठाएगा तो उसके साथ क्या होगा आपको देखना है। जी हाँ, तो कुछ इस तरीके की हरकत होती है। ये जब बजेगा तो आप लोगों को पता हो जाएगा कि किसी ने मेरे फ़ोन को छूने की कोशिश करी है। तो ये इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने फ़ोन को भी बचा सकते हैं और बहरूपियों को जो वो पकड़ सकते हैं। चौथा जो एप्लीकेशन है वो है स्क्रीनशॉट असिस्टेंट। इसके लिए आपको अपने गूगल असिस्टेंट का कुर्बानी देना पड़ेगा, मैं ऐसे ही कुछ कह सकता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट असिस्टेंट क्या करता है कि आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल स्क्रीनशॉट लेना है तो हम कभी कभी वो एक सी बटन मिलता है उससे लेते हैं या ऐसे उंगली करते हैं, कभी कभी फ़ोन हाथ से यूँ हो जाता है, मैं जानता हूँ। आपको क्या करना है, प्रेस एंड होल्ड करना है अपने होम बटन को इस तरीके से आप देखेंगे और ये स्क्रीनशॉट तुरंत जो वो ले लेता है, यानी कि टाइम काफ़ी सेफ होता है, इमरजेंसी में आपको काम आता है। प्लस यहाँ पे आप नीचे की तरफ आपको इसी विंडो के अंदर आपको जो वो क्रॉप करने का मौका देता है, यहीं से आप क्रॉप कर सकते हैं, यहीं से आप सेव कर सकते हो, यहीं से आप शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट असिस्टेंट क्या करता है कि गूगल असिस्टेंट को कतल कर देता है और खुद बीच में होम बटन की तरफ आ जाता है। आपको यहाँ पे जाके इसको परमिशन देना पड़ेगा, फिर होम बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे इस तरीके से तो आप देखेंगे आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे एक गो में जो क्लिक हो जाता है। तो अगर आपको ये चाहिए, जाइए इसको भी जो यूज़ कर लीजिए। पांचवा जो एप्लीकेशन है वो है माई डिवाइस। हम सभी लोगों को पता है कि CPU Z करके एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हम सभी लोगों को सारी जानकारी दे देता है, लेकिन माई डिवाइस जैसा एप्लीकेशन की तरह आपको कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं मिलेगा जो आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन की देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, सबसे पहली चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके सामने एक ही पेज में दिखा देता है, मैन्युफैक्चर, ब्रांड, मॉडल, हार्डवेयर, स्क्रीन रेजोल्यूशन, बूट लोडर इसका है कि नहीं है, यूजर, होस्ट वगैरह देता है। लेकिन आपको यहाँ पे जब मेन्यू बटन पर टैप करते हैं आपके सामने OS, CPU, बैटरी, मेमोरी, नेटवर्क, सेंसर्स, फीचर्स, कौन से एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया और कौन से सिस्टम के आपको एप्लीकेशन मिलते हैं। OS में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको कौन सा वर्जन मिलता है, CPU में आप देखेंगे आपको कितना ज़्यादा आपका रैम यूज हुआ है, कितनी स्टोरेज है, कौन सा CPU वगैरह आपको मिलता है, बैटरी आपकी कितनी अच्छी है, कितनी बैटरी आपकी डिस्चार्ज हुई है वगैरह वगैरह। मेमोरी का आपको अलग से टैप मिलता है, नेटवर्क आपको मिलता है, कौन सा नेटवर्क 4G है, 3G है, बहुत सारी चीज़ें। सेंसर्स वगैरह देखेंगे आपको लाइन से दिखा देगा, 39 सेंसर्स इसमें अवेलेबल है। फीचर्स देखेंगे तो आपके कौन से फोन्स के अंदर एडिशनल आपको
फीचर्स मिलते हैं। तो ये मेरे सबसे बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है, जाइए अपने फ़ोन को निचोड़ दीजिए और देख लीजिए कि आपके कंपनी जो बोलती है वो आपको एक्चुअली में इतनी चीज़ें जो वो दे रही है या फिर जो वो नहीं दे रही है। फाइनल जो एप्लीकेशन है, आज मैंने गेम ढूंढा लेकिन मुझे गेम नहीं मिला था, लेकिन गेम की रिकमेंडेशन मैं आपको ये करता हूँ कि अगर आप बाद में बताओ तो पहले एप्लीकेशन देख लेते हैं। अब गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स, हम सभी लोगों को पता है कि गूगल ने एप्लीकेशन जो है वो इंडिया के अंदर फिलहाल के लिए लॉन्च किया है, जहाँ पे आप गूगल के कुछ सर्विस वगैरह ले सकते हैं और उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आपको फ्री में क्रेडिट्स मिलती है, गूगल प्ले क्रेडिट्स। और ये जो गूगल प्ले क्रेडिट्स होती है, इसके जरिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर जो पेड एप्लीकेशन होती है उसको इस क्रेडिट्स के जरिए जो वो परचेस कर सकते हैं। आप ये जैसे एप्लीकेशन ओपन करेंगे, कुछ आपको काफ़ी सारी कन्फर्मेशन मांगता है, नेम एड्रेस वगैरह डालना है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे सर्विस, कोई भी नया सर्वे आएगा आपको नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, लेकिन अंदर की तरफ आप देखेंगे आंसर सर्वे लिखा है। आई अंडरस्टैंड ये एक टेस्ट सर्वे है और उसके बाद इन जनरल ये वगैरह वगैरह आई अप्रूव वगैरह करना है, जो भी करना है आपको, बस मैं ये फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें ध्यान नहीं दीजिएगा, और फटाफट मैंने कर दिया। जो भी आप रिवॉर्ड्स वगैरह लेंगे आप देखेंगे, जैसे कि आप मुझे ये क्रेडिट होगा, पता नहीं कब होगा, जब भी होगा आप ये जाके क्रेडिट से अपने प्ले स्टोर पे पैसे अगर आपको नहीं खर्चा करना है तब ओपिनियन रिवॉर्ड्स वगैरह जो यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे कोई गेम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे लाइव आपको सर्च करके बता देता हूँ कि कौन सा गेम सबसे बेस्ट है, जो फिलहाल के लिए जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है शेडो फाइट 3 की स्पेलिंग मैंने रॉन्ग डाला हूँ, तो ये शेडो फाइट 2 दिखा रहा है, लेकिन शेडो फाइट 3 आया है वो इंडिया के अंदर फिलहाल के लिए अनअवेलेबल बता रहा है, तो मुझे नहीं पता आप उसको कहीं से भी झोल झाल करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट गेम है, बहुत ही बेस्ट ग्राफिक है, और मेरे हिसाब से स्ट्रीट फाइटर टाइप की क्वालिटी का आपको ग्राफिक मिलती है, और कुछ ऐसे काम आप उसमें कर सकते हैं। तो शेडो फाइट 3 लिंक तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि प्ले स्टोर में इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो मैं झूठ काम नहीं करता हूं, गलत काम नहीं करता हूं। बहुत पकाना तो पका दिया। आज के एप्लीकेशन अगर आपको पसंद आते हैं तो मैंने यार इसको बंद भी नहीं किया हूं, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे चल रहा, तो ये मैंने बंद करा, टक से ये गायब हुआ, और आज बस ऐसी खैर बहुत बंकस करता हूँ मैं, मतलब बकबक करता हूँ। मिलते हैं आपसे, अगर आपको ये वीडियो आज की इस वीडियो इस टाइप की एप्लीकेशंस पसंद आ रहा है इस महीने के, तो ऐसे यूजफुल एप्लीकेशंस हर महीने मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।